ऐसा हल या कोई दरमियानी रास्ता जिसका आप जिक्र करते हैं? हमें इलेक्शन दे दे, दो और तीन महीने के अंदर शफाफ इलेक्शन, फौज की कोई मुदाखलत ना। तो जनाब इलेक्शन के लिए भी केयर टेकर सेटअप फिर इसी वजीर आजम ने ऑपोजिशन के साथ मिल बैठ के बनाना है, इन्हीं सूबाई हुकूमतों ने बैठ के ऑपोजिशन के साथ कंसेंसस डेवलप करना है, उसी के तहत आपके चीफ मिनिस्टर्स लगेंगे, उसी के तहत आपके इलेक्शन, ये हमारा दर्द सर नहीं है, ये उनका दर्द सर है, इस तरह करें करें। और कवानीन भी तब्दील नहीं हुए तो फिर आपके पास क्या गारंटी है कि इलेक्शन कमीशन के साथ बैठो, इंतजामी मामला ऐसे मामला नहीं, नहीं अगर फिर इलेक्शन के बाद इसी तरह के नतायज आते हैं फिर कबूल नहीं करेंगे, फिर मैदान में। अब आपको ना जुडिशल कमीशन कबूल है ना पार्लियामानी कमीशन फाइल करना भी कबूल नहीं है, ठीक है सर। और फिर मैं ये समझी हूँ कि देखिए ना मसला सिर्फ ये है कि अगर ये इलेक्शन कॉल किया जाए, इन्हीं ने पूरा एडमिनिस्ट्रेशन फिर से सेटअप करना है, फौज अब आपकी ये कह रही है कि हमें तो बुलाया जाता है इन एड ऑफ सिविल पावर, हम खुद तो नहीं आते, तो हमें बुलाया गया था और हमें मुतनाज़े ना बनाया जाए बहैसियत इदारा। हम तो कहते हैं कि बिल्कुल न बुलाया जाए फौज, हम इलेक्शन कमीशन से कहेंगे फौज को नहीं बुलाना। आपका निजाम से एतबार उठ चुका है? उठ चुका है, इलेक्शन की तहकीकात के लिए कोई निजाम उनको मौजूद नहीं, यहाँ दोबारा इलेक्शन कराया जाए और हमारे साथ बात करें, इलेक्शन कमीशन अपनी क्यादत में कराए। परवेज खटक से आपके असल मुजाकरात चल रहे हैं, परवेज इलाही से, कौन से परवेज से? किसी से नहीं चल रहे हमारे, किसी से नहीं चल रहे, उनको बस कोई आता है तो हम इनकार नहीं करते, आ जाए बिस्मिल्लाह बात करें, हमारे टाइम पास है ये अभी।